हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन्फिनिक्स अपने सस्ते से सस्ते फ़ोन और बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले फ़ोन निकालता रहता है। ऐसे में ही इन्फिनिक्स का नोट 7 जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब उसी का एक लाइटर वर्जन बहुत ही जल्द, बस कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है और इसकी कीमत रहेगी तकरीबन सिर्फ 7,500 रुपये। और इसमें आपको मिलने वाला है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, वो भी सिर्फ 7,500 रुपये के अंदर। ये बहुत ही कमाल का फोन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में जान लेते हैं कि हमको इसमें इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन की बात कर ली जाए, इसमें आपको आगे की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और पीछे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा एक ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप। अब दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगी 6.6 इंचिस की एक IPS LCD डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 266 PPI। और इसके साथ में आपको प्रोडक्शन के लिए भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिलेगा मीडिया टेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर और उसके साथ में आपको इसमें ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा पावर VRGE8320। और दोस्तों, आपको इसमें इस प्राइस के अंदर रैम अच्छी खासी मिलने वाली है क्योंकि आपको 4 GB की रैम मिल जाएगी और साथ में आपको एक बहुत ज़्यादा 128 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलने वाली है जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो 1 TB तक, जो कि वाकई में बहुत ही कमाल की बात है इस प्राइस के हिसाब से। अब मेन दोस्तों, अगर इसके कैमरास की बात कर ली जाए, आपको इसमें पीछे की तरफ एक ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिल जाएगा और जो मेन इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको इसमें मिलेगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके साथ जो आपको दूसरा कैमरा मिलेगा वो आपको इसमें मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। और तीसरा कैमरा आपको इसमें एक मैक्रो लेंस मिल जाएगा अगेन जो कि 2 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में मैं आपको बता दूं, वो आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाएगा जो कि इसकी पंच होल डिस्प्ले के अंदर दिया गया है। वो आपको इसमें मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और दोस्तों, अगर इसकी बैटरी की बात कीजिए, आपको इसमें बैटरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है क्योंकि आपको इसमें मिल जाएगी एक बड़ी बैटरी 5000 mAh की बैटरी, लेकिन आपको इसमें कोई फास्ट चार्जिंग के स्पॉट नहीं मिलने वाली। और दोस्तों, ये फ़ोन आपको ड्यूल सिम में भी मिल जाएगा, आप दोनों नैनो सिम डाल सकते हो और इसके अलावा एक अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, यानी कि आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको इसमें FM रेडियो भी मिल जाएगा और आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा। और जिसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक इसके साइड पर दिया गया है जहाँ इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, वहीं पर आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको इसमें मिल जाएगा Android 10Q। अब लास्ट में दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए, इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ 7,499 रुपये, यानी कि 7,500 का ये फ़ोन है जो कि दोस्तों 10 जून को हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस प्राइस में ये फ़ोन कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए फ़ोन के साथ और एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।